हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एस पर गुरु में। आज की इस वीडियो का टॉपिक है वज़ू के बारे में। वज़ू के अंदर अव्वलन तीन चीज़ें होती है, वज़ू के फ़राइज़, वज़ू के सुन्नत और वज़ू के मुस्तहबात। तो हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है वज़ू के फ़राइज़। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन। वज़ू के चार फ़राइज हैं। नंबर एक, पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक एक कान के लो से दूसरे कान के लो तक पूरा चेहरा धोना। नंबर दो, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर तीन, चौथाई सर का मसा करना। नंबर चार, दोनों पैर टखनों तक। ये तो चार मैंने सीरियली बता दिया है। इसका तरीका क्या होगा? तरीका ये है कि पेशानी के बालों से, यानी हमारे सर के जो ये बाल हैं यहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान के लो से दूसरे कान के लो तक पूरा चेहरा धोना। दूसरे नंबर पर दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। इसका मतलब यह है, ये जो हाथ की कोहनी है इसको इंग्लिश में एल्बो बोलते हैं, इस कोहनी तक पूरा हाथ धोना। नंबर तीन, चौथाई सर का मसा करना, यानी हमारा जो सर है इसको चार हिस्से में बांट कर ये जो चौथा हिस्सा है यानी शुरू का पहला हिस्सा यहाँ तक मसा करना। और मसा करने का क्या तरीका है यह मैं इंशाल्लाह वज़ू के सुन्नत में अगली वीडियो में बताऊंगा। चौथे नंबर पर दोनों पैर टखनों तक धोना। ये देखो आपको ऊपर पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर के अंदर जो टखना है वो तो आप सब समझती है, उस टखनों तक पूरा पैर धोना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक ये बातें पहुँचें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।